नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल जो आप YouTube पर शेखर जोगलेकर ये सर्च करने से सबसे ऊपर आपको मिल पाएगा। ये चैनल है संगीत अभ्यास के लिए उपयुक्त चैनल। इस चैनल पे दो तरह के वीडियोस अपलोड हुए हैं, वीडियोस जिनमें संगीत के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी दी गई है, जैसे सुरों की रचना या प्लेसमेंट कैसे होता है, पट्टी यानी स्केल क्या होते हैं, सप्तक या ऑक्टिव क्या होते हैं इत्यादि। ये हुए संगीत जानकारी के वीडियोस। दूसरे तरह के वीडियोस हैं, वो हैं आपके रियाज के लिए। ये रियाज वीडियोस आप सीक्वेंस में लेना शुरू करते हो तो फ़ायदा ज़रूर होगा और बहुत जल्द होगा। रियाज वीडियोस में मैंने ताने ली है और अलंकार लिए हैं। ये वीडियोस अलग अलग रागों में बनाए गए हैं, राग भैरव, राग भैरवी, राग काफी, राग यमन कल्याण, राग भूप, राग शिवरंजनी, राग हंसध्वनि, इन रागों में अपलोड किए हुए हैं। संगीत अभ्यास शुरू करने के लिए पहले सुरों का ज्ञान यानी साउंड फ्रीक्वेंसीज का नॉलेज, साउंड फ्रीक्वेंसीज को या ध्वनि को आप कानों से ठीक तरह समझना बहुत ज़रूरी है। ये सुर ज्ञान आपको 7 दिनों में हो पाएगा अगर आप मेरे चैनल पे जो 5 स्टेप्स में सुसंवादी स्वरों का एक्सरसाइज है उसे करोगे। आपने शुरुआत करनी है तो आप पहले राग भैरव ले लीजिए, क्योंकि राग भैरव में 7 स्वर लगते हैं। राग भैरव का पहले आरोह अवरोह का वीडियो देख लीजिए, बाद में तान नंबर 1 से तान नंबर 8 के वीडियोस देखिए। ये वीडियोस देख करके आपके रियाज के लिए जो पैचेस छोड़े हैं उस पर आप गा सकते हो और निपुण हो सकते हो। ये 8 ताने खत्म होते ही अलंकारों की ओर बढ़ सकते हो। तो आपने राग भूप चूज कर लिया तो राग भूप के पहले आरोह अवरोह, फिर ताने, फिर अलंकार, ये क्रम से अभ्यास कीजिए। और अभ्यास करना कितना है, आपको जब लगे कि आरोह अवरोह आप कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हो तो आगे तान नंबर 1 पे बढ़िए। तान नंबर 1 कॉन्फिडेंटली करने लगो तो फिर आगे बढ़िए तान नंबर 2 पे। इस तरह से रियाज करते रहिए। ये जो ताने बताई गई है और आपसे रियाज करवाई जाती है, ये ताने पैटर्न्स का नमूना है। इन तानों को किसी राग के बंदिश के कई मात्राओं पे फिट करना होता है। जब किसी राग का विस्तार करते हैं या उस राग का मूड जनरेट किया जाता है, तब उस राग के बंदिश के साथ इन पैटर्न्स को प्रयोग में लाया जाता है। इन पैटर्न्स को तालबद्ध फ्रेम में, यानी समझ लीजिए उस राग की त्रिताल की बंदिश चल रही है, तो ये जो ताने हैं इन तानों को त्रिताल की उन मात्राओं पे फिट किया जाता है। आमतौर पे अगर बंदिश खाली या काल से यानी 9वीं मात्रा से त्रिताल में शुरू हो रही है तो तान शुरू की जाती है 1ली मात्रा से, जो 8वीं मात्रा तक लंबी रहती है। फिर 9वीं मात्रा पर उस बंदिश की 1ली लाइन गाई जाती है। ऐसे करते करते 8 मात्रा की तान या उससे बड़ी तान, ऐसी तान लेकर के उस बंदिश के साथ मिलाई जाती है। ऐसा करने में सरल हो इसलिए ये पैटर्न्स आपसे गवाए जा रहे हैं। आपको कभी भी कोई भी मुश्किल हो तो हर वीडियो के आखिर में मेरा टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियोस पसंद आए हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ जाए और रियाज करना शुरू करे, तो आप मेरा हाथ बटा सकोगे इस अच्छे कार्य में।
धन्यवाद। आज रियाज करते हैं राग भैरव। इस राग का एक मशहूर गाना आपको याद होगा, दो स्वर अलंकार नंबर एक। हम अपनी रियाज तार सप्तक के रे और ग तक करेंगे। कीजिए कीजिए। कीजिए कीजिए। कीजिए रफ्तार बढ़ेगी। आप कीजिए। आप कीजिए।
कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। रफ्तार बढ़ेगी। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। रफ्तार बढ़ेगी। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। रफ्तार बढ़ेगी। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। रफ्तार बढ़ेगी। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए। आप कीजिए।
आप कीजिए। बहुत अच्छे। In case of any doubts or queries, you may write to me at the email address given or talk to me on the phone number given. I will definitely try my level best to address your query.